देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कराया। प्रेमनगर पुलिस को मृतक की पत्नी का कॉल आया था। मृतक की पत्नी ने बताया कि बीमारी के चलते उनके पति की मौत हो गई है, लेकिन उसके आस पड़ोसी और रिश्तेदार कोरोना का बहाना बनाकर साथ नहीं दे रहे हैं। मामले की जानकारी होते ही बरेली पुलिस मृतक के घर पहुंची और अंतिम संस्कार की खुद तैयारी की। पुलिस ने कंधा देकर मृतक के शव को शमशान भूमि तक पहुँचाया। यादव जी, जानना चाहेंगे कि अभी आपने एक शव को कंधा दिया है, तो क्या मामला था पूरा? वो सर, एक विजय कुमार मेहंदी रत्ता बीडीए कॉलोनी के थे, तो उनके परिवार में कोई था नहीं, पत्नी थी केवल, उनकी मृत्यु हो गई थी। आज 65 साल उम्र थी, तो उन्होंने फ़ोन किया था 112 पे कि भाई मेरी मदद की जाए, तो उसी में हम लोग आए थे, तो उसका अंतिम संस्कार के लिए भिजवाया गया था। यादव जी, जानना चाहेंगे, जैसे कि इस वक्त अपने रिश्तेदार इस मामले में दूर हो रहे हैं महामारी को देखते हुए, और पुलिस और समाज सेवी ही आगे आ रहे हैं, तो जनता के लिए आपका संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मदद करना चाहिए हर आदमी को, इंसानियत के नाते आदमी की। अब मान लिया बुरा वक्त है, तो फिर भी एक दूसरे की मदद करने से ही काम चलेगा, इस तरह भागने से काम थोड़ी चलता। एसएसपी मीडिया सेल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के द्वारा यूपी 112 पर कॉल करके सूचना दी गई थी कि उसके पति विजय कुमार मेहंदी रत्ना पुत्र स्वर्गीय गोपीचंद निवासी बीडीए कॉलोनी थाना प्रेमनगर उम्र लगभग 65 वर्षीय, जो कि काफी समय से बीमार थे, जिसकी आज मृत्यु हो गई है। घर पर उसके अलावा कोई नहीं है और उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। सूचना पर स्थानीय पुलिस प्रभारी निरीक्षक अवनीश यादव, विजयपाल सिंह चौकी प्रभारी कौड़ापीर, सतपाल सिंह, सर्वेश अत्री द्वारा मृतक के शव को अंतिम संस्कार हेतु कंधा देते हुए शमशान घाट पहुँचाया, जहाँ विधि विधान मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।